Hello children, I am back. As we have already done in our previous lessons, what is a family and who are the members of a family and how are they related to you? मतलब परिवार क्या है और जिन सदस्यों के साथ आप अपने परिवार में रहते हो वो आपके क्या लगते हैं, आपका उनसे संबंध क्या है? I have already told you all that, I have explained you. But still, we are now going to do a brief revision of all that we have learned earlier. हमने जो पहले पढ़ा है हम उसको वापस एक बार दोहराएंगे. ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, दादा और दादी, वो आपके क्या कहलाते हैं? ऑल्सो नोन एज योर ग्रैंड पेरेंट्स, दे आर योर फादर्स फादर. देन कम्स पेरेंट्स, योर मदर एंड फादर. एंड देन अंकल एंड आंट, हु आर दे? अंकल इज योर फादर्स ब्रदर एंड आंट इज योर अंकल्स वाइफ. आंटी आपके अंकल की वाइफ और अंकल कौन है? आपके पापा या मम्मी के भाई. देन ब्रदर एंड सिस्टर, यू आर ब्रदर एंड सिस्टर ऑफ योर ओन पेरेंट्स. ओके, एंड देन कम्स द कजन्स. हु आर कजन्स? द वंस, द ब्रदर एंड सिस्टर्स दैट हैव टेकन बर्थ फ्रॉम योर अंकल एंड आंट, दे आर योर कजन्स. ओके, नाउ वंस अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द बेसिक टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर के जो मूल बेसिक जो टर्म्स हैं मैं आपको बताने वाली हूँ. फैमिली, फैमिली क्या है? परिवार. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन स्टार्टिंग आल्सो, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड लिव टुगेदर. वो समूह लोगों का जो एक साथ रहते हैं और एक दूसरे से संबंधित होते हैं, वो एक दूसरे के कुछ लगते हैं, वो क्या है? परिवार, फैमिली. सेकेंड इज न्यूक्लियर फैमिली, एकल परिवार, जिसमें कौन कौन होते हैं? मम्मी, पापा और बच्चे. ठीक है, अ स्मॉल फैमिली दैट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन लिविंग टुगेदर. केवल मम्मी पापा होते हैं और उनके बच्चे होते हैं जो साथ में रहते हैं. थर्ड इज जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली क्या है? हमने बताया था आपको, अ बिग फैमिली इन विच ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, पेरेंट्स, अंकल, आंट एंड कजन्स लिव टुगेदर. एक बड़ा परिवार जो जिसमें कौन कौन रहते हैं? दादा, दादी, पापा, मम्मी, अंकल, आंटी, उनके बच्चे और उनको तो रहेंगे साथ में, वो क्या है? जॉइंट फैमिली. यस, नाउ द फोर्थ वन इज सरनेम. व्हाट इज अ सरनेम? सरनेम क्या है? जो आपके नाम के बाद में आता है. आप लोग सब एक साथ रहते हैं एक परिवार, लेकिन नाम तो सबके अलग अलग है, लेकिन नाम के बाद में जो लास्ट में लगता है, जैसे शाहरुख खान, खान है ना, और सलमान खान, खान, राहुल रॉय, रॉय. तो ये जो लास्ट में जो लग रहे हैं, रॉय, खान, कोई यादव लगाता है, कोई सैनी लगाता है, कोई शर्मा लगाता है, तो वो सब क्या है? वो सब सरनेम है. The common last name of each member of your family, that is known as surname. Okay?